जीवन को जीने से पहले जान दो रे, जान दो रे। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो पहचान साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ केवल सबका पेशा चलना है, यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। विक्रम अपने नए प्रोजेक्ट के फाइनेंस के सिलसिले में बलराज को पंकज से जाकर मिलने के लिए कहता है। अब देखो हर हाल में हमें पैसे खड़े करने होंगे ही। सामंत विक्रम से कहता है कि सिर्फ कृष्णकांत ही उन्हें रघुनाथ के बारे में जानकारी दे सकता है। अगर इतना सा भी सुराग हमें मिल गया ना तो हम बड़ा जाल बुन सकते हैं। पंकज के ऑफिस में बलराज को शालिनी और पंकज के बीच होने वाली बातचीत के बारे में पता चलता है। विक्रम कृष्णकांत से कहता है कि वो 24 घंटों के अंदर अपनी वफादारी का सबूत पेश करे। 24 hours, Mr. कृष्णकांत। कृष्णकांत शालिनी के घर जाकर उसे सच्चाई बयान कर आता है। आपके पति गजेंद्र नाथ जी की मौत एक हादसा नहीं था, कत्ल था। सच्चाई बहुत कड़वी होती है विक्रम। ये माना कि सच्चाई सुनने की ताकत इंसान में नहीं होती, मैं कहता हूं उससे भी मुश्किल काम है सच्चाई बयान करना। ये नेक काम आप कराए हैं या करने जा रहे हैं? कराया हूं। सामंत से मिलकर आ रहे हैं। तुमने मुझसे मेरी वफादारी का सबूत मांगा था, ऐसा सबूत पेश किया है कि सिर्फ तुम ही नहीं सारी दुनिया देखेगी कृष्णकांत की वफादारी क्या रंग लाती है। इसे विश्वास कहूं या अहंकार, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अगर मैं आपकी बिजनेस डिटेल्स रघुनाथ जी को बता देता तो आप इतने जल्दी इतनी तरक्की नहीं कर पाते। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये दो परिवारों के बीच चल रहा संघर्ष है। इन बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शालिनी जी से बात करने की वजह? मैं आपको नहीं बता सकता, बिजनेस में कई वर्किंग डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, मैं आपको नहीं बता सकता। सो ओके, ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ओके, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। आज से आपके और हमारे रास्ते अलग। आज तक हमने आपसे जो भी पैसा लोन के रूप में लिया है वो अब कैसे रीपे होगा वो हम डिसाइड करेंगे। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मार्केट में हर जगह आपकी चर्चा रहेगी कि मिस्टर पंकज झा ने मिस्टर विक्रम कपूर की बिजनेस की इंट्रिकेट डिटेल्स मिस्टर रघुनाथ वर्मा को पास ऑन की, वो भी फीस लेकर। हम कोर्ट में जाएंगे मिस्टर शाह। ये ब्लैकमेल है। सब ठीक समझे, जो भी नाम दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पंकज जी, आप हर तरफ से बुरी तरह फंस जाएंगे, रघुनाथ जी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे और मार्केट में आपकी बदनामी होगी। सो अलग, ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे तो सिर्फ बिजनेस से मतलब है, ये कोर्ट बदनामी से मुझे कोई मतलब नहीं। वेल, तो हमारा सवाल बहुत छोटा सा है मिस्टर शाह। नए प्रपोजल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी टेबल पर आने के बाद आपने शालिनी जी से फोन पर बातचीत की, क्यों और क्या? ठीक, मैं आपको कारण बताता हूं। शंकर कहां गया? फिर बाहर जा रहे हो? कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूं, अभी प्रोग्राम फिक्स हुआ है, दो चार दिनों में लौट आऊंगा। कृष्णकांत जी आए थे। वो यहां क्यों आया था? जरूर पैसे मांगने आया होगा या फिर विक्रम ने धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया होगा। बेईमान लोगों के साथ यही हाल होता है।
बिल्कुल ऐसा ही होना था उनका, लेकिन पता नहीं आपके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, या हो सकता है अब हो। क्या बक रही हो तुम शालिनी, होश में आओ। देर से सही, लेकिन अब होश में आ रही हूँ मैं। इतने सालों से तुम बेईमानी करते रहे हो, झूठ बोलते रहे हो, लेकिन आज तक कभी किसी ने तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला। शालिनी, ज़बान को काबू में रखो। मामूली सा नौकर तुम्हें आकर कुछ उल्टा सीधा कह जाता है और उसी की बातों में आकर तुम मुझे नाम सुनाम कह रही हो। ये मत पूछो शालिनी कि कृष्णकांत इस घर का सिर्फ एक मामूली सा नौकर था। और तुम क्या थे रघुनाथ? मत पूछो, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम मेरे पति हो? मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि इस घर के, इस कारोबार के मालिक गजेंद्रनाथ कपूर के मौत के 6 महीने बाद ही समाज को ठुकरा कर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि जितना विश्वास मैंने तुम पर किया था उतना शायद ही किसी और पे किया हो, लेकिन तुमने हर बार मेरा विश्वासघात किया। तुम्हारे प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ये भी नहीं जान सकी कि मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी। तुमने उनका कत्ल किया था। किसने कहा ये सब झूठ है? एक माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा की तुमने, मेरे सामने विक्रम को अपनाने का ढोंग रचाते रहे। मैं समझती रही तुम्हारे दिल में विक्रम के लिए प्यार है, चाहत है। क्यों किया तुमने ये नाटक? मैं समझती रही मेरे मांग में भरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र पति के पवित्रता की निशानी है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं एक सौतन की जिंदगी जी रही हूं। ये हक तो तुम पहले ही किसी और को दे चुके थे। मैं तो एक खिलौना थी, सिर्फ एक खिलौना। हाँ, सिर्फ एक खिलौना थी तो। लगता है बहुत कुछ कह दिया है कृष्णकांत ने हमारे बारे में। राम की औलाद। क्यों रघुनाथ, क्यों? क्यों? ये दौलत हासिल करने के लिए, ये शोहरत हासिल करने के लिए मेरा सपना था कि एक पूरा साम्राज्य मेरा हो, जिस पर सिर्फ मेरा हुक्म चले, सिर्फ मेरा हुक्म। एक मैनेजर की जिंदगी गुजार रहा था मैं यहां पर, लेकिन आसमान को छूना चाहता था मैं। रिश्ते नाते ये विश्वास सब कुछ नाटक है। हाँ, मैंने कत्ल किया तुम्हारे पति का, प्यार का ढोंग किया तुम्हारे साथ, सिर्फ इस कारोबार को हासिल करने के लिए, इस पर अपना हक जमाने के लिए, विक्रम को कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ से फड़काया मैंने, उस पर जानलेवा हमले किए मैंने, बर्बाद करने के लिए उसकी जान मैंने ही दी। तुमने? हाँ, मैंने। विश्व तो फिर भी तुम्हारी औलाद थी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद मैंने अपनी औलाद और अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। जाओ जाकर ढूंढो उस पतिव्रता औरत और उस लड़की के लड़कपन को, नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि रघुनाथ का राज जान लेने के बाद रघुनाथ से अपना जीने का हक छीन लेता है। तुमने मुझे क्यों बख्श दिया? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो शालिनी, जब तक गजेंद्र और विक्रम को
इस कारोबार से दूर रहता हूं, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं। वैसे भी एक किस्मत की मारी कमजोर औरत रघुनाथ का ख्याल रखा सकती है। कितना विश्वास है ना तुम्हें मेरी कमजोरी का, लेकिन मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि कुछ बूंदे जहर की दूध में मिलाकर तुम्हें पिला ना सकूं। कृष्णकांत जी, जी हमारे प्रोजेक्ट के चर्चे मार्केट में फैले हुए हैं। हमें सबसे पहले दिल्ली जाना है। आप, मैं और बल्लू वहां पहुंचेंगे, जमीन देखेंगे, उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। जी हमें कब निकलना है? आज रात ही को, बल्लू और अश्विनी के वापस आने के बाद। लो आ गए विक्रम। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। देखो बल्लू, हमें आज रात ही को दिल्ली के लिए रवाना होना है। नहीं विक्रम। क्या हुआ पंकज ने कुछ? नहीं पंकज को छोड़ यार, हमें लगता है तो अभी इसी वक्त अपनी माँ से जाके मिले। क्या बोल क्या रहा है तू? हाँ विक्रम, विक्रम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो तुम? हम लोग आज पंकज से मिलने गए। पंकज ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहा? नहीं, प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम उससे मिलने नहीं गए थे। ये प्रोजेक्ट लेके मैं जब पहली बार पंकज से मिलने गया था तब एक अजीब सी बात सुनी मैंने। पंकज फोन पर शालिनी जी से कुछ बातें कर रहा था। What? That bastard, मैं अभी फोन करके उसे छोड़ा मुझे। तुम जानती हो इस बात का मतलब क्या है? वो पंकज का बच्चा हमारी सारी डिटेल्स उस औरत तक पहुंचाता रहा ताकि वो औरत हमें बर्बाद कर दे। विक्रम उस औरत ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया है। ये तुम कह रही? हाँ हाँ वो सच कह रही है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए तुमने पहला लोन जो पंकज से लिया था उसकी गारंटी मिसेज शालिनी वर्मा ने ली थी। क्या? हाँ विक्रम, आज हम लोग जो भी है, जो भी तरक्की हमने की है वो सब उसी औरत की वजह से। नहीं, ये सब गलत है। तुमसे किसी ने झूठ कहा है?
ये सच है, सच है विक्रम। चाहो तो तुम पंकज से बात कर सकते हो। हेलो हेलो पंकज, मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूँ। कहिए विक्रम जी। मैंने अपने बिजनेस के लिए सबसे पहला जो लोन लिया था उसकी गारंटी किसने दी थी? देखिए विक्रम जी, ये फैमिली मैटर में उसकी गारंटी किसने दी थी? शालिनी वर्मा। और एक बात मिस्टर विक्रम, ये जो आप नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, इसके फाइनेंस का अमाउंट बड़ा होने के कारण इसके लिए भी मुझे उनसे बात करनी पड़ी। आपका लोन पास हो चुका है। ये क्या किया मैंने, हेलो हेलो, मैं सामन बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कहिए सामन साहब, क्या बात है? व्हाट? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक ठीक। क्या हुआ बलू, बताओ क्या हुआ? शालिनी जी ने रघुनाथ जी की हत्या कर दी है। What? शालिनी जी ने रघुनाथ जी को जहर पिलाकर मार डाला। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। वो अंदर बैठे हैं, तो उनसे मिल लो। तुमने तो मुझे माफी मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम्हारा ये बदनसीब बेटा ना तुम्हें पहचान पाया और ना ही तुम्हारी ममता को समझ पाया। मैं हमेशा तुमको कोसता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा तुम पर, चुपचाप सब कुछ सहती रही। मैं समझता था मेरी कोई मां नहीं है। मैं समझता रहा कि तुमने अपनी स्वार्थ की खातिर मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। पर जिसे मैं स्वार्थ समझता था वो तुम्हारा प्यार था, तुम्हारी ममता थी। तुम खुद तड़पती रही लेकिन मुझे सुकून मिले, मुझे सुख मिले, इसी की कोशिश करती रही तुम। बस बस, अब और नहीं। मैं सब कुछ जान गया हूं। सुना है औरत का दिल बहुत बड़ा होता है और एक मां का दिल विशाल सागर की तरह महान, जिसमें वो अपने बच्चे की सारी गलतियां, सारी गलतफहमियां
समेट लेती है। प्रतिशोध की आग में मैं सब कुछ जला बैठा था। मैं नहीं समझ पाया माँ के जज्बात, नहीं समझ पाया मैं बेटे की जुदाई का गम, नहीं समझ पाया मैं। हम दोनों के बीच जो एक दरार है, आज मैं उस दरार को मिटाने आया हूं, और वो दरार सिर्फ एक ही लफ्ज से मिट सकती है, जिसे सुनने के लिए तुम हमेशा तरसती रही, जिसका मोल मैं नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती माँ। तुम्हारा गुनहगार, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मुझे एक बात बेटा, मुझे तुम्हारा माँ मुझे मुझे बेटा कह के बुलाओ माँ। दुश्मन को खत्म करने से बेहतर है दुश्मनी खत्म, और दुश्मनी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्ती करना।